हमें एक शख्स मिले जो साइकिल से समस्तीपुर बिहार से अयोध्या पहुंचे हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। 5 दिन चले हैं यहाँ सर, और 80 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलाए हैं सर। हम अगर राष्ट्र के नहीं हुए तो फिर किसके हुए। समस्तीपुर से निकले, फिर कहाँ रुकते थे, कहाँ खाना पीना, इतने बड़े बड़े कलाकार नेता लोग आ रहे हैं, अभी 22 तारीख को भीड़ होगी दर्शन करने, मिले ना मिले। अभी भी हमारे गाँव से जो है 5-6 लोग फिर निकले हैं, और 5-6 ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग पैदल वहाँ से चले हैं और साइकिल यात्रा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मतलब एक ऐसा फील हो रहा है सर कि मतलब स्वर्ग में आ गए। राजा राम की नगरी अयोध्या में फिलहाल हम मौजूद हैं, और देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, नेता मंत्री संतरी जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भक्ति भावना लेकर भी दूर दराज के गाँवों से, अलग अलग प्रदेशों से चले आए हैं। पीछे ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अयोध्या धाम की, सरयू नदी के तट पर फिलहाल हम मौजूद हैं, और हमें एक शख्स मिले जो साइकिल से समस्तीपुर बिहार से अयोध्या पहुंचे हैं। कहाँ से चले थे और क्या सोच के चले थे भैया? बस मन में ख्याल आया कि हमारे श्री राम प्रभु जी का जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। नाम क्या, पहले नाम बताओ। नंदन कुमार सर। नंदन कुमार जी सर। बिहार में कहाँ, समस्तीपुर के हो? जी, समस्तीपुर से। अच्छा जी, तो क्या सोचे थे समस्तीपुर में बिहार से जो अयोध्या सरयू तट पर पहुंच गए? बस मन में एक दृढ़ संकल्प रख लिया जो हम जाएंगे वहाँ, और अगर रामलला का दर्शन अगर नहीं कर पा रहे लेकिन अयोध्या नगरी में पहुँच जाएंगे, बस यही ख्याल आया और हम पहुँच गए। और लगभग 5 दिन चले हैं यहाँ सर, और 80 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलाए हैं सर। किस तारीख को निकले थे वहाँ से? 12 तारीख को वहाँ से निकले थे सर, 12:30 बजे के आसपास वहाँ से। जी सर, और रास्ते का सफ़र अच्छा रहा? कैसे चले, मान लो जैसे समस्तीपुर से निकले, फिर कहाँ रुकते थे, कहाँ खाना पीना? जैसे सर मंदिर पे रुक जाते थे, मंदिर पे रुकने के बाद जैसे मंदिर के पुजारी हों, चाहे जो मंदिर के स्वामी जो मंदिर बनवाया है, चाहे वहाँ पे के लोग होते, वो हेल्प करते थे, खाना पीना सारा चीज़ वही व्यवस्था करते थे, और वैसे ही करते करते यहाँ तक आ गए सर। जी, तो रात को सोना वोना सब वहीं रास्ते में? जी, अपना ये कंबल है वगैरह सारा चीज़ है, और उसी के सहारे आराम करते थे, और वहाँ अपना जगह देते थे केवल, और वहाँ आराम करते थे। भोजन? और भोजन वही जहाँ जैसे कभी प्रसाद ग्रहण कर लिए, और कभी ऐसे मतलब करते हुए आ गए। आपके मन में ये नहीं आया कि यार इतने बड़े बड़े कलाकार नेता लोग आ रहे हैं, अभी 22 तारीख को भीड़ होगी दर्शन करने, मिले ना मिले? ये तो मतलब मन में था केवल हम अयोध्या नगरी आ जाएं, और बहुत सारे लोग केवल जो है एक दर्शन मात्र हो जाए, मंदिर का जो है दूर से ही दर्शन कर ले, और बस इसी से पूरा। हालांकि अयोध्या के कड़कड़ में राम है, आप सरयू के तट पर मौजूद हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। देखिए तो कैसा लग रहा है आपको अयोध्या, जरा देखिए तस्वीरें, बताइए हमारे दर्शकों को। इतना सुंदर है, अब क्या कहें, यहाँ आने के बाद मतलब एक ऐसा फील हो रहा है सर कि मतलब स्वर्ग में आ गए, ऐसा लग रहा है जो मतलब हमारा जो जीवन है वो धन्य हो गया, और ऐसा दिन जो है शायद ही दोबारा मिल पाएगा। और सर क्या कहें सर, इससे पहले अयोध्या आए थे कभी? अयोध्या एक बार आए हैं, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं देख पाए थे, और अभी आए हैं तो। पिछली बार कब आए थे अयोध्या? लगभग मतलब 1.5 महीना पहले आए थे सर। उससे पहले मतलब? नहीं, कभी नहीं आए थे सर। आपको पता नहीं होगा अयोध्या पहले कैसे दिखती थी? नहीं, ये भी नहीं जानकारी थी। कोई आपके बूढ़ पुरानिया, कोई आपके आए हैं पहले अयोध्या? शायद इतनी जानकारी नहीं। क्या सुने थे पहले अयोध्या के बारे में, अयोध्या पहले कैसी थी? और अब तो हर आदमी टीवी देखता रहता, आप लोग भी आ गए। जी, मतलब अयोध्या पहले जो था मतलब बहुत अलग अलग विवादों में बहुत सारी चीज़ों से मतलब वो था, जहाँ यहाँ तक जो है लोग आ नहीं पाते थे सर। और ऐसी क्या कहें, अगर सरकार की बात करें तो सर हम तो ज़्यादा मतलब वो नहीं है, हम तो भक्त हैं राम के, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है सर जिसको लेके जो है यहाँ अयोध्या सज गया है, और पूरा अगर कहें तो यूपी सरकार है चाहे भारत सरकार है जो मतलब अलग कर दिया यहाँ का सारा। फिलहाल हम भगवान की बात करते हैं, ये मोबाइल वोबाइल आपने क्या लगा रखा है? सर बस ये दिखाना चाहते हैं जैसे अपने गांव वाले, जैसे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो कहे जैसे रास्ते से आ रहे हैं किस किस प्रकार से आ रहे हैं, सारा जर्नी दिखाएं और बस अयोध्या नगरी को। मोबाइल चार्ज वार्ज कैसे करते हो? चार्ज अपना चार्जर है वहीं जहाँ पे मंदिर वगैरह में रुकते थे वहीं चार्ज कर लेते थे सर। ये क्या लगा रखा आपने, ये सब कहाँ? जी, ये तो अपना बनवाए थे सर, और ये जो है चाणक्य महोत्सव जो हुआ था अपना सर पटना में, तो वहाँ गए थे तो वहाँ ये कार्ड मिला था सर। बिहार से कितने लोग आए होंगे इस बीच में? सर बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ से, पैदल डंडी यात्रा करते हुए और साइकिल यात्रा कर रहे हैं। अभी भी हमारे गांव से जो है 5-6 लोग फिर निकले हैं, और 5-6 ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग पैदल वहाँ से चले हैं और साइकिल यात्रा कर रहे हैं सर। अभी अयोध्या पहुँचे या घूम चुके? अभी आए ही हैं, अभी थोड़ा दूर ज़्यादा नहीं है, लता मंगेशकर चौक और थोड़ा पंडाल वगैरह घूमे सर। अभी एक बार जरा इधर नज़र दौड़ाओ, सरयू नदी से लेकर इधर अयोध्या धाम तक, यहाँ देखो कैसा लग रहा है, पानी वानी साफ बढ़िया दिख रहा है, सरयू मैया एकदम दिख रही है। बहुत सर बहुत सुंदर, यहाँ का दृश्य कभी देख नहीं पाए थे, और अभी देख रहे हैं तो मतलब लग ही नहीं रहा है जो हम कहाँ आ गए, एक अपने छोटे से गाँव से यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद इस दृश्य को देख रहे हैं सर, क्या कहें। बहुत स्नान करना है कल? जी जी जी, आज रात को कर लेंगे स्नान। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये भारत माता झंडा क्यों लगाए?
सर ये जो हम समर्पित हैं राष्ट्र के, और सबसे पहले जो सर हम अगर राष्ट्र के नहीं हुए तो फिर किसके हुए, तो हमारा राष्ट्रधर्म सबसे प्रथम है, उसके बाद हमारे जो राजा राम हैं उनको तो, वो तो हमारे हृदय में है, और बस सामने श्री राम जी का और सारा चीज़ का लेके चले हैं बस। एक बार कस के जय भारत माता, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप जाइए, आनंद उठाइए अयोध्या नगरी का। हम भी चाहेंगे आप जैसे लोग आप गांव में दिखाएं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो और लोग आकर्षित हो, अयोध्या का विकास हो, देश का विकास हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।